दोस्तों, अगर आज के टाइम में आप 12th के बिहार पर जॉब के लिए जाते हैं तो दो मेन सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे पूछा जाता है। एक ये होता है कि क्या आपको एक्सेल आता है, और दूसरा सेक्शन होता है टैली, कि क्या आपको टैली यूज करना आता है। अब एक्सेल के ऊपर तो मैंने कई सारी वीडियो बना रखी है, आई होप कि आपने वीडियोज देखी होंगी, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज को देख सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है टैली का, टैली क्या है। देखो, टैली जो है वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, और उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से आप एक छोटे बिजनेस या बड़े बिजनेस को मैनेज कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। नॉर्मली क्या है कि अगर हम कहीं पे भी जाते हैं जॉब के लिए, तो वो एक कंपनी होती है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में कई चीजें होती हैं, जैसे कि कितना माल आया, कितना माल गया, या फिर मैं बोलूँ इतने लोग को हमें सैलरी देनी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो इतने लॉस में चल रहा है, इतने प्रॉफिट पे चल रहा है, हमें इतने लोगों को पैसे देने हैं, हमें इतने लोगों से पैसे लेने हैं। हर एक बिजनेस में ये सारी चीजें होती हैं, चाहे वो एक नॉर्मली पान की दुकान हो, या फिर एक बड़ी ई कॉमर्स कंपनी हो, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। तो हर एक बिजनेस में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वहां पे हमें उस बिजनेस का हिसाब किताब रखना पड़ता है। वही हिसाब किताब आप डिजिटल बिहाफ पर इस सॉफ्टवेयर की मदद से रख सकते हो। तो बेसिकली जो टैली है वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को, लेन देन के हिसाब को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसलिए टैली हर जगह डिमांडेबल होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर एक कंपनी हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, वहां पे क्या है कि हमें हिसाब किताब रखना पड़ेगा कि कितना माल आया, कितना माल गया। अब अगर पहले के टाइम की हम बात करें, तो पहले टाइम में आपने मुनीम वाला वर्ड जरूर सुना होगा। पहले टाइम में क्या होता था कि एक मुनीम जी होते थे कि बरी खाते लिखते थे। बरी खाते याद है ना आपको, कि नॉर्मली क्या है कि कितने लोग आए, कितने लोग को हमने पैसे दिए, इतना पैसा हमें इससे लेना है, इतना पैसा हमें इसको देना है, हम इतने लॉस में चल रहे हैं, हमारा इतना नुकसान हो गया। तो पहले के टाइम में आपको पता है चीजें कैसी होती थी, ऑफलाइन होती थी। लेकिन आज के टाइम में छोटी से छोटी चीजें ऑनलाइन आ रही है। नॉर्मली हमें किसी भी बिजनेस को मैनेज करना होता है, या फिर मेंटेन करना होता है उसके सभी रिकॉर्ड्स को, या फिर ट्रांजैक्शंस को, लेन देन को, तो हम इस सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत ही अच्छे से रख पाते हैं। इसमें अगर हमें एक ही बार में देखना है कि हमारा कितना घाटा हो गया, तो हम एक ही बार में देख सकते हैं। हमें एक ही बार में देखना है कि हमारी कंपनी को कितना फायदा हुआ है, तो हम एक ही बार में इसे देख सकते हैं। अगर मुझे ये चीज देखनी है कि हमारे पास कितने लोगों का उधार है, वो चीज भी आप सिर्फ एक ऑप्शन की मदद से देख सकते हैं। तो अपने आप में टैली सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, जो कि हर जगह यूजफुल है, और किसी भी बिजनेस को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। अब सवाल ये आता है कि टैली सॉफ्टवेयर को आप कहाँ से सीखोगे, और इसे सीखने में कितना टाइम लगेगा। देखो, नॉर्मली जो टैली सॉफ्टवेयर है वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक नॉर्मली क्या है कि आप अगर मैच्योरिटी के बिहाफ पे कहीं पे भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके अगर ये कोर्स करते हो, तो लगभग 1 से 1.5 महीने या 2 महीने इनफ है, आप आसानी से सीख सकते हो, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में टैली कोर्स करने जा रहे हो, तो ध्यान रहे कि सबसे पहला पोर्शन आपको पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो। क्योंकि टैली में बहुत ऐसी चीजें हैं जो कॉमर्स वाले बच्चों को पहले से पढ़ाई जाती है, जैसे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, फिक्स असेट क्या होते हैं, गोल्डन रूल्स, क्रेडिट डेबिट, तो ये सारी चीजें आपका जानना बहुत जरूरी होता है अगर आप टैली पर काम करना चाहते हैं तो। तो इसके लिए ध्यान रहे, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो वहां पे टैली अगर आप सीख रहे हो, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वहां पे मस्ट होना चाहिए। और जो इसको सीखने का समय है, वो लगभग आपको ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में आप अच्छे से सीख जाएंगे। कोई इसमें बड़ी डील नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा आपका 1 हफ्ते में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि नीडेड होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी बहुत बढ़िया है, तो जितने की हमें जरूरत होती है वो लगभग आप 7 से 10 दिन में आराम से कवर कर लेंगे, मैक्सिमम 15 दिन ले लो आप, और जो सॉफ्टवेयर है वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने, तो 1.5 महीने या 2 महीने में आप आसानी से टैली सॉफ्टवेयर को सीख सकते हो। अब हम ये बात करते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद आपको किस प्रोफाइल की जॉब मिलती है, नंबर 1, और दूसरा इसमें सैलरी स्केल अप कितना हो सकता है। देखो, अगर आप कहीं पर जॉब के लिए जा रहे हो टैली के यहाँ पर वर्क करने, तो नॉर्मली प्रोफाइल होती है अकाउंटेंट की, आपने वर्ड जरूर सुना होगा अकाउंटेंट। तो जो आपको प्रोफाइल मिलती है वो होता है अकाउंटेंट का, जहां पे आप अकाउंट को मैनेज करते हो। अकाउंट मतलब समझ के जितना भी लेन देन हो रहा है वो आप अकाउंटिंग सेक्शन में आ जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके पे स्केल की, तो नॉर्मली जो स्टार्टअप सैलरी होती है वो कहीं पे 10, कहीं 15, कहीं 18, कहीं 20, मतलब 10 से 20 के एवरेज में आपको मिल जाएगा।
अब अगर आप इसमें कंटिन्यूली काम कर रहे हो, एक अच्छे तरीके से लगे हुए हो इसमें, तो लगभग 2 से 4 साल में, या फिर मैं 5 साल का एवरेज आपको बता देता हूँ, 5 साल अगर आप एक ही प्रोफाइल में डटे हुए अच्छे से कर रहे हो, तो आप इसमें जो सैलरी है वो लगभग 50 से 60 हज़ार तक ले जा सकते हो। साथ ही इसके और भी बेनिफिट है। नॉर्मली क्या है कि जैसे आपको बताया कि कितने कई ऐसे दुकानदार होते हैं जो कि नॉर्मली इंडिविजुअल वर्क करते हैं, तो उनको क्या होता है कि अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है, जहाँ पे वो नॉर्मली जाके अपना जो भी है मतलब ट्रांजेक्शन्स मेंटेन करते हैं, ताकि गवर्नमेंट उन पे कोई भी इलीगल ऑफेंस जो है वो रिप्रेजेंट ना करे। तो नॉर्मली जब आप इस सेक्टर में पुराने होते जाते हो, तो आपके कई सारे क्लाइंट भी बन जाते हैं, जहाँ पे आप एज अ फ्रीलांसर बोल लो, या फिर नॉर्मली ये बोल सकते हो कि एज अ सेपरेट भी आप काम उठा सकते हो और एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो, और एक्स्ट्रा अर्निंग काफ़ी अच्छी होती है। मतलब ये समझ लो कि अगर आप टैली के बिहाफ पर काम कर रहे हो, इसकी प्रोफाइल में अच्छे से लगे हुए हो, तो लगभग 1 लाख रुपए तक की सैलरी आप यहाँ से कमा सकते हो आफ्टर 4 to 5 years। तो 4 से 5 साल की मेहनत ज़रूर है, लेकिन ये प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है और डिमांडेबल है, आज भी है और मे बी आगे भी रहेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों टैली के ऊपर ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आप टैली के ऊपर कोर्स चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपके काम आया या नहीं आया, क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू।